संविधान को लेकर वार पलटवार का सिलसिला अभी भी जारी है। चुनाव शुरू हुए थे तब से लेकर अब समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी भी चल रहा है। राहुल गांधी जगह जगह संविधान लेकर घूम रहे हैं, हाथों में उनके आपने एक किताब देखी होगी, वही किताब। केंद्र सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। आज हिमंता बिस्वा सरमा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संविधान को लेकर राहुल गांधी पर पलटवार किया है। संविधान पर देखना चाहिए आपको कि क्या कुछ वार पलटवार हुआ, देखिए। बीजेपी के नेता खुल के कहते हैं कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम इस किताब को बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बदल देंगे, इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। इसी कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान के खत्म करने की भरपूर कोशिश की थी। पीएम मोदी ने आज यूपी में कहा कि आपातकाल लगाकर अत्याचार करने वाली कांग्रेस को आज संविधान की याद आ रही है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को खत्म करने की पूरी कोशिश की थी, आज संविधान पर ज्ञान दे रहे हैं। दरअसल आरक्षण, संविधान और विधान बदलने का आरोप मोदी सरकार पर नया नहीं है। राहुल गांधी समेत तमाम इंडिया गठबंधन के नेता मोदी सरकार को इसी हथियार से मात देने की कोशिश में जुटे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करना चाहती है और आदिवासियों, दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जल, जंगल, जमीन पर जो हक है वो सब संविधान ने दिया है, मोदी सरकार आपके अधिकार को छीनना चाहती है, ये उनका लक्ष्य है। हम आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की भागीदारी को बढ़ाना चाहते हैं, इसी पर राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस तो अपना संविधान भी नहीं मानती, देश का क्या मानेगी। ये किताब गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी, ये सब लोग लड़ के ये किताब आपको दी है। और आज बीजेपी के नेता खुल के कहते हैं कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम इस किताब को बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बदल देंगे। एक शाम को मैडम सोनिया जी की टोली कांग्रेस दफ्तर में घुस गई और ये अति पिछड़े समाज के सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर उठा करके उनको फुटपाथ पर फेंक दिया और रातों रात मैडम सोनिया जी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए, वो आज संविधान कंधे माथे पर के नाच रहे हैं। साथियों, सपा कौन है? ये वही सब। इधर अपने बयानों और गांधी परिवार पर निशानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी से पलटकर पूछा कि जवाहरलाल नेहरू ने कितने ओबीसी को कॉरपोरेट बनाया, इंदिरा गांधी ने कितने SC ST को कॉरपोरेट बनाया और राजीव गांधी ने कितने पिछड़ों को कॉरपोरेट बना दिया, लेकिन मोदी ने आदिवासी को देश का राष्ट्रपति बनाया है। तो आप लोग संविधान बदल देंगे? देखिए, संविधान बदलने का जरूरत क्या है? मोदी जी का पास आज भी 700 सीट है। मोदी जी ने संविधान को बदलाया कि संविधान को शक्तिशाली किया। संविधान में क्या लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाइए, कांग्रेस ने लाया यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो संविधान में जो लिखा हुआ है, अंबेडकर जी ने जो लिख के गया है, उनको कांग्रेस ने कभी पालन नहीं किया। हेमंता यही नहीं रुके, संविधान बदलने के आरोप पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी के पास आज भी इतना बहुमत है कि वो संविधान बदल दे, लेकिन क्या उन्होंने संविधान बदला? मोदी ने तो संविधान को और मजबूत किया है। संविधान में लिखी बातों को आज तक जिस कांग्रेस ने नहीं माना वो आज आरोप लगा रहे हैं। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूँ,
जवाहरलाल नेहरू ने कितना ओबीसी को कॉर्पोरेट बनाया। मैं राहुल जी को पूछना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी ने कितना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को कॉर्पोरेट बनाया है। मैं पूछना चाहता हूँ, राजीव गांधी ने कौन सा शेड्यूल कास्ट को कॉर्पोरेट बनाया। नरेंद्र मोदी ने शेड्यूल कास्ट को देश का राष्ट्रपति बनाया है। नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासियों को देश का राष्ट्रपति बनाया है। तो उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मंच पर राहुल गांधी के लाल कॉपी दिखाने को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, उन्होंने उस संविधान को ही नकार दिया जिसे राहुल गांधी हर मंच पर दिखाते फिर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बाबा साहेब के मूल संविधान से राहुल गांधी खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस पार्टी ने खुद पाप किए वो दूसरों पर बोलने का अधिकार नहीं रखती। वो संविधान ही गलत है। मूल बाबा साहब का संविधान ब्लू बुक में बड़ी किताब है जिसमें भगवान राम का फोटो भी लगा है, और उस संविधान के बजाय दूसरी कोई किताब दिखा करके मूल संविधान और बाबा साहब की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले संविधान समझ ले, आपातकाल में संविधान को ही उनने अलग करके, उनकी दादी ने देश में आपातकाल लगाया था। 100 बार से ज्यादा संशोधन उस संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मूल संविधान 1950 में लागू किया, कांग्रेस की पांचों पीढ़ी ने 100 से ज्यादा संविधान संशोधन कर दिए। तो जिनने खुद ने पाप किए वो दूसरे से कहां सर्टिफिकेट लेंगे। संविधान और आरक्षण के बहाने राजनीतिक गोटी तो सेकी जा रही है, लेकिन चुनाव में मुद्दों का हमेशा मेल हो ये जरूरी नहीं। राहुल गांधी को लगता है कि इस मुद्दे के सहारे 4 जून को उन्हें जश्न मनाने का मौका मिलेगा, तो बीजेपी भी भरोसे के साथ आगे बढ़ रही है कि वो सत्ता बचाने और हैट्रिक लगाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि क्या संविधान किताब का कोई पन्ना है जिसे इतनी आसानी से नष्ट कर सकते हैं। जब एक संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में सरकार को पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो क्या नष्ट करने के लिए सिर्फ 400 पार ही काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।